जाती है, और आदमी अगर तैर रहा हो और भंवर में फंस जाए तो वो भी उसमें डूब जाता है। भंवर पैदा होती है ध्यान के माध्यम से मस्तिष्क में, और उस भंवर में सब डूब जाते हैं, नेगेटिव प्रवाह भी, सारे के सारे प्रवाह उसके अंदर आ जाते हैं। जबरदस्त भंवर, जबरदस्त चुंबकत्व पैदा होता है, जो भी गिरेगा पवित्र बन जाएगा। ध्यान की स्थिति में जाते ही हमारे व्यक्तित्व का हर आयाम, हर डायमेंशन घुल जाना चाहिए। भावना, हमारी अहम, हमारी विकृतियां, हमारे और दूसरे विचार, हमारी महत्वाकांक्षाएं, ये सब के सब उसके अंदर गिर जानी चाहिए। अच्छी बुरी सब चीजें उसमें गिर जाएं। हम भावना करते हैं, जब हम उच्च स्तरीय ध्यान करते हैं, हम कहां तक ले जाना चाह रहे हैं? हम ओजस से तेजस की ओर ले जाना चाह रहे हैं, कि हमारी प्राण ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार की ओर जा रही है। मूलाधार चक्र मलमूत्र छिद्र के मध्य स्थित है, सहस्रार की ओर, ऊपर की ओर यात्रा कर रही है। सहस्रार हमारा ऊपर है, यहाँ मस्तिष्क मध्य, दोनों सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बीच में हमारी वृत्तियों का ऊर्ध्वगमन हो रहा है। बचपन से लेकर अभी तक हमारी वृत्तियां निम्नगामी रही हैं। प्राण जब तक मूलाधार से स्वाधिष्ठान तक आता है उठ करके, तब तक भोग की वृत्ति हमारी डोमिनेट रहती है, डोमिनेट करती है। जब तक प्राण मूलाधार से उठ के स्वाधिष्ठान तक आता है, तब तक भोग की वृत्ति रहती है। जैसे ही ऊपर आने लगती है, स्वाधिष्ठान से ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन किया हमने, वैसे धीरे धीरे निस्वार्थता, निष्कामता, सेवा भाव, ये सब पैदा होने लगता है। निस्वार्थ भाव से काम करना किसी के लिए, अरे भाई इसमें हमारा क्या स्वार्थ है। निष्काम भाव, सेवा भाव, धीरे धीरे क्रमशः हृदय चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, मानवीय संस्कार यहीं तक है, बस यहीं तक है, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक। यहां तक पहुंच गए तो नीचे के अंगों से फिर भोग विलास नहीं होगा। अगर आज्ञा चक्र तक पहुंच गए, फिर नीचे के अंगों से फिर भोग विलास नहीं होगा, सामान्य क्रियाएं होंगी सारी। फिर यहां तक पहुंचने की यात्रा बड़ी कठिन है, इस यात्रा को हम कर लें। ध्यान के अंतर जगत की यात्रा यही यात्रा है, इससे ऊपर कोई भेद अभेद नहीं है। सारी साधनाएं आज्ञा चक्र तक ले जाती हैं हमें। इससे ऊपर गोमुख से निकली गंगा, जैसे गंगा सागर में समा जाती है, ऐसे स्वतः आज्ञा चक्र के ऊपर हम जाके सहस्रार में समा जाते हैं। यहां तक की यात्रा आपको करनी है, इसके बाद भगवान गुरु आपको स्वयं ले जाकर के सहस्रार में मिला देगा। आपका आध्यात्मिक स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा, आपका तेजस वर्चस्व इतना ऊंचा हो जाएगा कि इस स्तर पर जाने के बाद आप सीधे ऊपर मर्ज हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति ध्यान करता है चक्रों के जागरण का, क्रमशः मूलाधार, मणिपुरित, स्वाधिष्ठान, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा, चक्र जागरण करते हुए ऊपर पहुंचे, सभी चक्रों का जागरण का उद्देश्य क्या है? ऊर्ध्वगमन, ऊपर की ओर चलना। ये जो सहज ध्यान होता है, हम किसी एक चक्र पर अपना मन नहीं टिकाते, इसमें किसी एक चक्र पर अपना मन नहीं लगाते। सगुण ध्यान में गुरुदेव का जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, हम अनहद पर ध्यान लगाते हैं सगुण ध्यान में, और निराकार ध्यान में हम आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं। सूर्य का ध्यान, दीपक का ध्यान, ज्योति का ध्यान, ये हम आज्ञा चक्र के स्तर पर करते हैं। और सगुण ध्यान, सविचार ध्यान, स्वरूप ध्यान, रूप देख रहे हैं भगवान का, गुरु का, वो सारा के सारा ध्यान जो है अनहत के स्तर पे होता है, हृदय के स्तर पे, भाव स्तर पे। जो भी ध्यान हम करते हैं, तब हम जब भी हम ध्यान करते हैं, सारे ध्येय के प्रति हम मानसिक रूप से पूजा कृत्य भी करते चले जाते हैं। ध्येय के प्रति, लक्ष्य के प्रति, भाव और विचारों का अर्ध भी उसमें समर्पित करते हैं हम। हर ध्यान में भाव का और विचारों का अर्ध, यह हमारी तरह से ध्येय को समर्पित है। जप में भी और ध्यान में भी सफलता उसी को मिलती है जो चार चीजों में विश्वास रखता है, श्रद्धा, विश्वास, नियमितता, निरंतरता। श्रद्धा भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अगर भवानी श्रद्धा है तो शंकर विश्वास है। श्रद्धा, विश्वास, नियमितता, रेगुलरिटी, और निरंतरता, कंटिन्यूटी। तीन दिन ध्यान किया, तीन दिन नहीं किया, तो कैसे कैसे फलित होगा? फिर शुरुआत करनी पड़ेगी पहले दिन से। नियमितता बहुत ज्यादा जरूरी है।
कंटिन्यूटी ही हमारे अंदर रूपांतरण लाती है, निरंतरता से हमारे अंदर रूपांतरण घटित होता है, देह के अनुरूप प्रकृति का निर्माण होता है। और हमारी प्रकृति के अनुरूप ऊर्जा प्रवाह हमारी ओर खिंच के आने लगता है। जैसे हमारी प्रकृति बनती है देह के अनुरूप हमारी प्रकृति, और प्रकृति के अनुरूप ऊर्जा प्रवाह हम धारण करते हैं ब्रह्मांड से। ब्रह्मांडीय विचार तरंगें भी हमें प्रभावित करने लगती हैं जब अंदर से प्रकृति रूपांतरित होने लगती है। ये नॉर्थ पोल है मस्तिष्क, ये चुंबकत्व की दृष्टि से सघन होने के बाद, अच्छा अच्छा आकर्षक चुंबक बन जाने के बाद, ये विचारों को खींचता है फिर अपनी ओर, श्रेष्ठ विचारों को खींचता है, ब्रह्मांडीय विचारों को खींचता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचता है। और जब ये बदलने लगती हैं, विचार तरंगें जब हमारे अंदर आने लगती हैं, तो हमारी वासना हमारी उच्च स्तरीय भावना में, काम बीज हमारा ज्ञान बीज में बदल जाता है। लेकिन एक ही बात याद रखनी है, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं बिना कोई प्रश्न पूछे निरंतर करते चले जाएं। एक बार ध्यान फिक्स कर लिया, फिर बिना कोई प्रश्न पूछे, बिना कोई मन में किंतु परंतु लाए, निरंतर उसका ध्यान करते चले जाएं। जिन जिन ने ये किया उनका जीवन वैसा ही बनता चला गया। रामकृष्ण ने, परमहंस ने कहा ये ध्यान सिद्ध है विवेकानंद, वैसे ही बन गए, पूरा जीवन ध्यान पे टिका। महर्षि रमण आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे, हु एम आई, मैं कौन हूँ, व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। महर्षि अरविंद ने भी कोई यज्ञ नहीं किया, हवन नहीं किया, महर्षि अरविंद ने भी कोई जप नहीं किया, महर्षि अरविंद ने भी ध्यान किया निरंतर, विवेकानंद ने भी ध्यान किया। जब महापुरुष हमारे सामने राजमार्ग छोड़ गए तो उस राजमार्ग पर चले हम, गुरुदेव ने भी निरंतर ध्यान किया, सारे सूफी संत ध्यान कर करके शिखर पर पहुंच गए। हमें श्रेष्ठ भावनाओं के प्रति ध्यान में प्रेम विकसित करना पड़ेगा, श्रेष्ठ भावनाओं के प्रति ध्यान की स्थिति में प्रेम विकसित करना पड़ेगा। जिससे प्यार करते हैं उसका ध्यान रहता है कि नहीं मन में, और ध्यान रहता है इसका मतलब ध्यान करना आ रहा है धीरे धीरे। जिसको नियमित रूप से याद करेंगे वो मन में हमेशा बना रहेगा, याद करना सीख लें। जिसे हम याद करेंगे उसे हम प्यार करेंगे, उसे अपना बना लेंगे। जिसे हम याद करेंगे, बार बार याद करेंगे, ध्येय को याद करेंगे, ध्यान के क्षणों को याद करेंगे, ध्यान करने की क्रिया को याद करेंगे, ध्यान करने के महत्व को याद करेंगे, ध्यान के परिणामों को याद करेंगे, तो हम बराबर ध्यान के प्रति हमारी प्रीति बढ़ती जाएगी। ध्यान भगवान को निरंतर ध्यान याद कर रखने की प्रक्रिया है। ध्यान का मतलब है भगवान को याद करके अपने आप को याद दिलाना बार बार, हम कौन हैं, हम कहां से आए इस धरती पर। और ये जो स्मरण होता है, याद यानी स्मरण, स्मरण भावनाएं इतनी गहरी होती हैं, स्वतः वासनाएं कहां उच्च स्तरीय भावनाओं में बदल जाती हैं, स्वतः काम बीज ज्ञान बीज में बदल जाता है। ज्ञान बीज मतलब हमारा ज्ञान के स्रोत खुल जाते हैं, और ज्ञान से ज्यादा पवित्र धरती पर कुछ नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान से ज्यादा पवित्र धरती पर कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को पाने की